नमस्कार, बॉलीवुड की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं बीचाओं की कुछ प्रमुख खबरों पर। आमिर खान बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। एक्टर अपनी फिल्मों की बारीकियों पर काम करते हैं, इसलिए उन्हें ये टाइटल मिला। इन दिनों आमिर खान प्रोड्यूसर की कुर्सी संभाले हुए है। हाल ही में उन्होंने लाहौर 1947 की घोषणा की थी। अब एक्टर ने एक और फिल्म की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, आमिर खान की नई फिल्म तारे जमीन पर की तर्ज पर होगी। यहां तक कि नई फिल्म का नाम भी मिलकर जुलकर रखा गया है। आमिर खान ने बताया कि उनकी नई फिल्म का टाइटल सितारे जमीन पर है। पिछली फिल्म रुलाने वाली थी, तो वही नई फिल्म हंसाने वाली होगी। अमिताभ बच्चन आज 81 साल के हो गए हैं। बिग बी ने इस बार अपना बर्थडे अपनी पोतियों नाती नातिन के साथ सेलिब्रेट किया। देर रात आराध्या बच्चन, नव्या नंदा और अगस्त्या नंदा बिग बी को सरप्राइज देने पहुंच गए। उनमें उनकी बेटी श्वेता बच्चन भी शामिल रही। इसके अलावा फैंस भी बिग बी से मिलने जलसा के बाहर पहुंचे। अब फैंस और एक्टर की इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमिताभ बच्चन ने देर रात हुए सेलिब्रेशन को खूब एंजॉय किया। सोशल मीडिया पर अब उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। नव्या नंदा ने नाना के बर्थडे की कुछ फोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की हैं। तस्वीर में बिग बी आराध्या, नव्या, अगस्त्या और जया बच्चन को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर को पोस्ट करते हुए नव्या ने कैप्शन दिया, हैप्पी बर्थडे नाना। बिग बॉस फेम एक्ट्रेस शहनाज गिल को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। हाल ही में एक्ट्रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अस्पताल से बाहर आते हुए नजर आ रही हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उनके फैंस काफी खुश हैं और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। थैंक यू फॉर कमिंग में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने वाली एक्ट्रेस शहनाज गिल को लेकर कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वह अस्पताल में भर्ती हैं। अब हाल ही में उनका एक और वीडियो देखने को मिला, जिसमें एक्ट्रेस अस्पताल से बाहर निकलते हुए नजर आ रही हैं। बता दें कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। इस वीडियो को देखने के बाद फैंस उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने बॉक्स ऑफिस पर एक महीने का सफर पूरा कर लिया है। शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर आंधी की रफ्तार से आई इस फिल्म की रफ्तार अब थोड़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी सफर जारी है। आइए जानते हैं जवान के 5 हफ्तों का बिजनेस। 7 सितंबर को रिलीज हुई जवान लगभग 5 हफ्तों से थिएटर्स में टिकी हुई है। वहीं बॉक्स ऑफिस पर अभी भी पकड़ बनाए हुए है। 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी जवान अब 650 करोड़ की ओर बढ़ रही है। हालांकि रफ्तार घटने की वजह से फिल्म को थोड़ा समय लग रहा है। अब ये देखने वाली बात है कि क्या जवान गदर 2 की तरह 2 महीने तक बॉक्स ऑफिस पर टिक पाती है या नहीं। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपनी फिल्म टाइगर 3 के साथ एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के लिए आ रहे हैं। आज बुधवार को उन्होंने एक नया पोस्टर जारी किया है। इससे पहले कल ही सलमान ने अपने प्रशंसकों के लिए टाइगर 3 से कैटरीना कैफ का लुक जारी किया था। उस पोस्टर में वह बिल्कुल आश्चर्यजनक और उग्र लग रही थी, जिसके बाद से प्रशंसकों का उत्साह बढ़ गया है। अब आज सलमान खान ने टाइगर 3 का एक पोस्टर जारी किया, जिसमें आपको भाईजान का खतरनाक लुक देखने को मिल सकता है। फिलहाल बॉलीवुड की खबरों में इतना ही। और खबरें जानने के लिए बने रहिए बीसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।